الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من المؤمنين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال في موضع آخر: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. صدق الله العظيم. تمام سرکاری سے ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں، جس ذات نے ہمیں اسلام کی نعمت اور ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ کے درود و سلام ہو، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہماری اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں کس طرح گزارا جائے مکمل طور پر سکھایا. محترم سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، پتہ نصیب خواتین اور پیارے بچوں، سب کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے. بڑی کرم والی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے جو بھی سواری ہم انسانوں کو یا ہم اللہ کے بندوں کو عطا فرمایا ہے، یقیناً ان قوانین میں، ان ضوابط میں ہم سب کی بھلائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی بھلائی دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر بندوں کی بھلائی چاہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، خواہ بندے کی والدین ہی کیوں نہ ہو، بچے ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بندے کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، یہ انعام ہے، یہ ہم سب کا اکرام ہے. اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے پسند فرما کر ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور سفل مخلوقات ہونے کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو پورے کرنے کے ذرائع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں عنایت فرمائی. آج دنیا پر ہم نظر ڈالیں، انسان جو کچھ حاصل کر رہا ہے، جو کچھ ترقی کر رہا ہے،
या जो कुछ हुकूक उसको मिल रहे हैं वो डिमांड की बुनियाद पर मिल रहे हैं या उसके अपनी दिलचस्पी की बुनियाद पर मिल रही है। लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला ने जो हुकूक मर्दों को दिए हैं, जो हुकूक अल्लाह सुबहाना तआला ने औरतों को दिए हैं, ये डिमांड की बुनियाद पर नहीं दिए हैं, ये दिलचस्पी की बुनियाद पर नहीं दिए हैं, बल्कि अल्लाह सुबहाना तआला ने ये हुकूक उनके फितरी जज्बात को लिहाज करते हुए उनकी फितरी ताकतों को अल्लाह सुबहाना व तआला नजर में रखते हुए हुकूक अल्लाह सुबहाना व तआला ने इनायत फरमाया। इंसान के हासिल किए जाने वाले हुकूक में तब्दीली आ सकती है, तगय्युर आ सकता है, लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ने जो इंसान को हुकूक दिए हैं मर्द की शक्ल में हो या औरत की शक्ल में, इन हुकूक में तब्दीली नहीं आ सकती। क्योंकि जिस तरह अल्लाह सुबहाना व तआला की बात कामिल है, अल्लाह सुबहाना व तआला के दिए गए हुकूक भी क्या है, कामिल है। और जिस तरह इंसान की बात नामुकम्मल है, उसकी हासिल की भी तरक्की हो, उसके हासिल किए हुए तो वो भी नामुकम्मल ही रही। तो हमें पहले बात जहनतीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुबहाना तआला जो भी हुक्म दे रहे हैं या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमा रहे हैं वह हमारी खैर काही के लिए, हमारी भलाई के लिए है, हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी के लिए। ये समझ लेना आप बेहद जरूरी है। अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में इशारा फरमाते हैं, बला तमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादतुम अला बादि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा कसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा कसबना, और उस चीज से आरजू मत करो जिसकी बाइस अल्लाह सुबहाना व तआला ने तुमने के बाद को बाद पर पुकार दी। ये तौफीक किसकी तरफ से है, ये तौफीक अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से है। किसी में कुछ खास सिफात अल्लाह सुबहाना व तआला ने रख दिए, किसी भी दूसरे में कुछ और सिफात ने अल्लाह सुबहाना व तआला ने रखे, तो इन सिफात के जरिए या इन खुशूसियात के जरिए जो तहल्लुक अल्लाह सुबहाना व तआला ने इंसान को बख्शा है, मर्द होने के नाते हो या औरत होने के नाते हो, तो इस मामले में एक दूसरे पर हसद करना या एक दूसरे के सिफात को हासिल करने की कोशिश करना या उस किस्म का लिबास इख्तियार करना, ये सारी चीजें क्या है, गैर जायज। अल्लाह सुबहाना व तआला ने फरमाया, और उस चीज की आरज़ू मत करो जिसके बाइस अल्लाह ने तुमने बाद के बाद पर बुजुर्गी दी, मर्दों का उसमें हिस्सा है जो कुछ वो कमाए, औरतों का भी उसमें हिस्सा है जो कुछ वो कमाए। और बाद की आयत जो मैंने तिलावत फरमाया उसमें अल्लाह सुबहाना व तआला ने फरमाया, मोमिनीन मुसलमान अल्लाह से मानने वाले जो जो दुआएं अल्लाह सुबहाना व तआला से उन्होंने मांगी हैं, आयत से पहले था हमारा प्रश्न अंदर आप देखें, तो सारी दुआओं के ताल्लुक से अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने उनकी वो सारी दुआएं उनकी वो सारी मन्नतें अल्लाह सुबहाना व तआला ने कबूल की और वादा किया, अन्नी ला उज़ीव अमल आमिल मिनकुम मिन शकरिन और उन्सा, चाहे मर्द हो या औरत हो, उनका किया हुआ कोई भी नेक अमल मैं जाये नहीं करूंगा। बात को यहां समझना जरूरी है, अल्लाह सुबहाना व तआला कुरान के अहकाम से हो या नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों में कहे गए तकाजों से हो, मर्द और औरत के दरमियान बराबर रहा है। जिस तरह इस मर्द पर नमाज फर्ज है उसी तरीके से औरत पर भी नमाज फर्ज है, जिस तरह एक रोजा रखना मर्द के लिए लाजमी है औरत के लिए भी लाजमी है। तो हम देख रहे तमाम उम्र जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने
सिर्फ इतनी उनके अपनी ताकत और सलाहियत का फर्क रखते हुए अहसान को दोनों के दरमियान बराबर रखता। अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात कहने वाला कोई नहीं हो सकता, अल्लाह से बढ़कर सीधी बात बताने वाला कोई नहीं हो सकता, अल्लाह से बढ़कर चिंता करने वाला भी कोई नहीं हो सकता। महत्व का नहीं, कुरान में आप देखें औरतों से निस्बत करने वाली सूरतें आपको मिलेंगी। सूरत निसा जिसमें औरतों के अहकाम बयान किए गए, दुनिया की किसी भी मसाई किताब को आप उठाकर देख लें, अलग से औरत के मसाइल बयान करने वाला बाजी आपको नहीं मिलेगा। कुरान में सूरह निसा है, निसा कहते ही आदमी के ध्यान में आता है कि खवातीन के अहकाम बयान किए गए हैं, औरतों के अहकाम बयान किए। तलाक जमाना था जुल्म होता था तलाक के नाम से, लेकिन तलाक से तलाक लागू करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों के एहसान किया। जहाँ तलाक के मसाइल बयान किए गए कोई मनमानी नहीं कर सकता, किसी की तरफ से सूरत तहरीम है, सूरह मरियम है, सूरह मुजादला है, तकरीबन इन सूरतों में क्या किसका जिक्र है, तकरीबन इन सूरतों में औरतों का जिक्र है, औरतों के मसाइल जो है इसमें बयान किए हैं, मसूम में आ रही है। यानी इस्लाम जितनी अहमियत औरत को देता है उतनी अहमियत दुनिया का कोई भी मजहब नहीं देता, नहीं दे सकता, क्योंकि सारे के सारे मजाहिर को उन्होंने अपनी मनमानी ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल लिया। उसमें अल्लाह तबारक तआला के अहकाम दिल से तो नहीं है, इस्लामी है जहां अल्लाह सुबहानहु तआला के अहकाम और अल्लाह सुबहानहु तआला ने इस पर अपना मुहर भी लगाया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ज़िक्र के नाज़िल करने वाले भी यकीनन हम ही हैं और उसकी हिफाजत भी कौन करेंगे, हम भी करेंगे। हिफाजत का बेड़ा भी अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कबूल किया है। मुहतरम सामाई, इन सूरतों पर हम नजर रखें और आज की दुनिया पर भी हम थोड़ा नजर करें, तो दुनिया की अक्सर बेहतर तंजीमें हो, अक्सर बेहतर मीडिया हो, अक्सर बेहतर लोग हो, वो इस्लाम के खिलाफ किस तरह का प्रॉपगंडा कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने औरत को पूरे हुकूक नहीं दिए, ये बड़ा ही अलमिया है। असल इस्लाम ही ने औरत के हुकूक को पहचाना, लोगों के सामने इस्लाम ही ने औरतों के हकूक से लाया है और एक लड़की की पैदाइश को खुशखबरी ताबीर करने वाला कुरान के अलावा दुनिया में कोई भी जो है मजहबी किताब आपको नहीं मिलेगी। औरत की पैदाइश खुशखबरी है या खुशखबरी है, बशारत, बशारत का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है। आज की इस दुनिया के चालों चरण को देखकर हमें धोखे में नहीं आना है, मर्द हो या खवातीन हो धोखे में नहीं आना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया है ये जो दुनिया की रेल फेयर है इसको लेकर धोखे में नहीं जाना, जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देगी, जन्नत की ख्वाहिश से तुम्हें गाफिल कर देगी और तुम्हें जहन्नम वसीर कर देगी। सामयी जमाने पहले तकरीबन 17 के नाम मालूम है, प्रतिभा पाटिल, जब ये सदारत की कुर्सी पर नहीं बैठी थी उस वक्त का इनका बयान था ये कि औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि मर्दों के हमले से खासकर हिंदुस्तान में इनको बचाया जा सके। इसे एक पढ़ी लिखी औरत, कुछ आय की औरत
इस्लाम के ताल्लुक से इस किस्म का नजरिया रखते हैं। तो इस्लाम में जो औरतों के हुकूक है उन हुकूक के ताल्लुक से उसका ये नजरिया है कि आम पढ़ने लिखी औरतों का या अनपढ़ औरतों की क्या हालत हुई। इस मैदान में कदम किसको बढ़ाना है, इस मैदान में खुद औरत का कदम बढ़ाना है, उसको जानना है कि इस्लाम ने उसको क्या क्या हकूक दिए हैं, इस्लाम ने उसके लिए कौन सी सहूलतें पैदा की हैं, और उसको खुद आगे बढ़कर मीडिया के सामने आना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंटिंग मीडिया हो, औरत को ये एक मुसलमान खातून से ये मनवाना जरूरी है कि मैं अपने दिन में जो तो इस्लाम है महफूज, मुझे मेरा दिन तमाम के तमाम हुकूम दे रहा है, लेकिन खिलाफ हो रहा है, जो भी आवाज उठा रहे हैं वो मर्द हजरात उठा रहे हैं, जो भी मकालात लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, वो लिखने वाले मर्दी हजरात हैं, जिसकी वजह से दुनिया को कहने का मौका मिल रहा है कि ये जो हुकूम की बात करने वाले हैं ये खुद मर्द हैं। मेरी अजाना दरख्वास्त है उन खवातीन से, उन औरतों से, उनका बड़ा नतीजा है जिनको अल्लाह सुभान व तआला ने सलाहियत दी है लिखने की, वो अपने कलम को तेज करें और अल्लाह के कलमे को जीवन करने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करें। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, विक्रम सामीन अब हमारा जाना एक मेंटल हॉस्पिटल को बात होंगी, पागल खाने पहुंच गए हैं, यहाँ के सब के सब पागल हैं, मैं बिल्कुल खामोश हूँ और शाइस्ता तरीके से अपना काम कर रहा हूँ, तो सारे पागलों को क्या लगेगा, पागल हम नहीं है, पागल कौन है, ये इसी तरीके से आज पूरी की पूरी दुनिया मगरबी तहजीब की पागल बनी हुई है, दुनिया जनता जून जो है ये सबों पर सवार है, ऐसे में जो शाइस्ता गुफ्तगू करता है, जो किरदार का मालिक होता है, शाइस्ता लिबास जो वतन करता है, तो वो उसको दुआ लगता है और उससे जो है जिले कटे जाते हैं। खासकर औरतों के मामले में शाइस्ता लिबास औरतों में पहनती है, उससे जुमले कटे जाते हैं, उसको घर की जी कहा जाता है, उसको गुलाम कहा जाता है, उससे मजदूरा कहा जाता है, इसलिए कि जिस राह पर मगरिब की तहजीब चल पड़ी है उस राह पर मुसलमान चलने के लिए तैयार हुई, जिस खुद मगरिब अपनी तहजीब से बेकार हो चुका है, बजाय इस दुनिया को समझे कि जिस तहजीब से मैंने अपनाया है उस तहजीब से मेरा पूरा समाज बर्बाद हुआ है, इस तहजीब को मत अपनाओ, जो समझाया वो दुनिया को क्या करता कर जा रहा है, दूसरी जो दुनिया है उस दुनिया को भी बर्बाद करने के लिए तो दूसरे हैं सलाम समझेगी ले देगी, ये उसका रवैया है। ये बहुत ही जो है दुनिया में फितरत का उसूल आपको बताता है, हमारा सर आपको नजर आ रहा है, पूरे जिसम में सबसे कीमती चीज क्या है, हमारे जिसम पूरे जिसम सबसे कीमती दिमाग ले लें, दिमाग ले लें, क्योंकि पूरा बड़ा अनकंट्रोल हो गया तो आदमी दीवाना हो जाता है, दिमाग ले, दिमाग को अल्लाह ने दिमाग क्या है बड़ी ही नाजुक चीज, हमारे जिसम में शायद दिमाग उतनी नाजुक चीज कोई चीज हो, बड़ी ही नाजुक चीज है, उसकी रगे भी पत्ती जितनी हम सोच भी ले सकते, बड़ी नाजुक चीज है, बड़ी अहम चीज है, बड़ी कीमती चीज है, अल्लाह ने कहा रखा उसको मजबूत हॉल के अंदर रखा है, हड्डियों के सब सबसे मजबूत है, सुन जा रही उनको जगह लाख महाना पर दिमाग को रखा है, और जी को लेने बाद में जिन भी जिनको नाजुक और अहमियत का हामिल है अल्लाह सुभान व तआला ने बड़ी ही जो है मजबूत जगह बिल्कुल अल्लाह सुभान व तआला ने रखा, वही हमारे हाथ ले इनकी कोई हिफाजत नहीं बस सुन रहे बच्चे के भी आने के हम लेकिन नहीं जितना दिमाग और दिल है,
उसी तरीके से आंख से लेने अल्लाह सुबहाना तआला ने आंख को अर्थ के जरिए क्या किया, उसकी हिफाजत अल्लाह सुबहाना तआला ने किया। अगर कोई ये कहे कि ये इंसानी आजा पर जुल्म है, इनको बंद के द्वारा रखा जा रहा है, अल्लाह ने इन चीजों को अल्लाह ने क्यों बंद रखा, बल्कि खुला रखने देना चाहिए, खुला रहने देना चाहिए, क्या हम उसको बंद कहेंगे? अच्छी मन सोची, जिस किस्म का जो सिफत की अल्लाह सुबहान तआला ने बनाया है, ये इन आजा के लिए जरूरी नहीं, बल्कि इन आजा का एजाज शर्त है उन आजा के लिए। और फिर आगे बढ़ना, आम ही आम सबसे खत्म होता है, पूरे खिड़की के साथ आम है, आप खरीदने के लिए तैयार है, थोड़ा भी नार लगा है खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उसका जो कीमत कम करेंगे। या गौर करें कि अगर अल्लाह सुबहान तआला एजाज जो पड़ता है आम पर छींटने की शक्ल में, इससे अल्लाह सुबहान तआला ना रखते तो क्या ये कीड़े मकोड़ों मक्खियों और दीगर जरासीम से बचकर इंसान तक आता? गेहूं को ले लें, चावल को ले लें, अगर अल्लाह सुबहान तआला इससे पर्दा नहीं रखते होते तो क्या ये गेहूं और ये चावल छींटे होते दीगर जरासीम से बचकर हम तक पहुंचते? चीज जो कीमती होती है उसकी हिफाजत अल्लाह सुबहान तआला ने उसी रिश्ते से की है। अब हम यहाँ सोचे कि औरत को पर्दे का हुक्म हम ने दिया या अल्लाह ने दिया? अल्लाह ने दिया, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि औरत कितनी कीमती है और कितनी नाजुक है। अल्लाह को यह भी मालूम है कि इस औरत की कीमत और इस औरत का इंतजाम मर्द भी नहीं कर सकता, इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला पर्दे का हुक्म देते हैं ताकि तुम सफाई आ जाओ। मेरी दो बहनों से मेरी दरखास्त है कि आपके हमारी बच्चों को हम समझाएं कि इस्लाम इन तालीमात को क्यों हमें सिखाता है, इसके फवाइद क्या है, वरना ये जो नंगेपन का सैलाब है हमारी लड़के भी कहीं उसी में बहना जाए और हमारे घर को हमारे घर के तरह ही से आग न लग जाए। बाद में आगे बढ़ता हूँ, वो ये है सुमोत्रम सामाई दीदी के किरदार में औरत क्या कर सकती है, दीदी हम जाने आज के दौर में अगर हम देखें अल्लाह ने इंसान में जो चीजें रखी हैं, एक है जरूरियात, एक है ख्वाहिशात, जरूरियात ख्वाहिशात नजर आ रहा है ना, ये छह रही है, जरूरियात अलग है, ख्वाहिशात अलग है, या दोनों एक ही है? अलग अलग है। आज मर्द हो या औरत हो, जरूरियात की निस्बत, जरूरत की बनस्बत जो ख्वाहिशात के बंदे बनते जा रहे हैं, इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का तज़किरा फरमाया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उस्सत नारु किसे, जहन्नम को घेरा गया है किसे, जरूरिया से, जरूरिया से बिशहवा खालिशात से जहन्नम को घेरा गया, जरूरिया से जरूरत इंसान के लिए यकीनन को नहीं है, उसको हासिल करना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन ख्वाहिश जो होती है जरूरत किनके आ हो सकती है, ख्वाहिशात की इंतहा नहीं हो सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की तमा, इंसान की लालच, इंसान की ख्वाहिश ऐसी है कि जो बड़े बड़े जंगल भी सोने के उसको मिल जाए उसकी ख्वाहिश यही रहेगी कि तीसरा भी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ख्वाहिशत की कोई इंतहा नहीं है। आज घरों का माहौल हम अगर नजर डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहानहु तआला ने शोहर को तराफी अता फरमाई है, दूसरा अता फरमाई है रिस्क में, तो वे जरूरी अशिया पर पैसे को खर्च करने पर शोहर को मजबूर कर रहे हैं। इससे क्या होगा मैं पूरे तफसीलात में नहीं जाऊंगा, इससे सबसे पहले की दर हुकूमत मारे जाएंगे। इसलिए आज के दौर में छोटे छोटे खानदान बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे फैमिली बनते, नए बीवी ले रहे बच्चे,
وجہ کیا ہے؟ یہ خواہشات پر زیادہ ہونا. اگر انسان خواہشات کے رشتے داروں کے لیے قربان کرتا ہے، غریبوں کے لیے قربان کرتا ہے، نادانوں کے لیے قربان کرتا ہے، تو وہ ضروریات کے ساتھ جی سکتا ہے. لیکن جب خواہشات کا بندہ بنتا ہے تو وہ خواہشات کی پورے ہونے پر بھی نام نہیں ہوتا. اور جب خواہشات بڑھتی ہیں اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اللہ کا مناظر قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سکتے ہیں کل اب جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر جو چیز تمہارے پاس بچ رہی ہے اس کو خرچ کرو، یہ اب کوئی بھی نہیں بچے گا کیونکہ یہ غیر ضروری اشیاء کے خریداری میں اس کو لگا دی اور اپنی خواہش کو دوسرے کی ضرورت سے بڑھ کر وہ سمجھیں گے. اس کو ایک روٹی کی ضرورت ہے لیکن مجھے میری خواہش کی ضرورت ہے. وہ روٹی کے لیے کرت رہا ہے اور میں خواہش کے لیے مر رہا ہوں. خواہشات خاندانوں سے درمیان دراڑ پیدا کرتے ہیں، والدین اور بچوں کو دور کر دیتے ہیں، اور سماج میں جو غریب اور نادار ہوتے ہیں ان کے حقوق ان خواہشات کے ذریعے مارے جاتے ہیں. تو لحاظ ماں بہنوں کو رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ضرورت سے بڑھ کر خرچ نہ کریں، اور جو بھی پیسہ زیادہ آتا ہے اس کو آپ محفوظ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دل کر رہا ہے کسی غریب کی مدد کریں یا جو ہے رشتے داروں کی مدد کریں یا سماج میں جو یتیم ہیں ان کی مدد کریں، اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیں گے. رمضان کے شروع میں ہم احادیث کرتے ہیں کہ ہر دن فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ جو دینے والا ہے اس کو اور عطا فرما، جو روکنے والا ہے تو بھی اس سے روک. ہم اسی طریقے سے اور قارون سے اس کی دولت کے تعلق سے لوگوں نے کہا کہ جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، لیکن لوگوں کی بات اس نے نہیں مانی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت اس کو کہہ کے زمین میں دبا دیا. یقیناً ہم کتنا بھی جمع کر لیں، کتنا بھی ہماری خواہشیں پوری کر لیں، پھر آخر جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے ایک نیا پیسہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا. ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے اچھا یا برا ٹھیک ہمارے ساتھ ہوگا. تو ہمیں ایک موقع ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اسے ہمیں عطا فرمائی ہے اس آپ کو استعمال کر کے جنت کی وسیلوں وسیع جنت کے باغ باغیچے اور محلات سے جو ہم وارث ہیں. محترم فرمائیں یہ درخواست ہے. اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے ہمسایہ. ہمسایہ یعنی رشتے دار یا پڑوس جس کو کہتے ہیں. گفتگو میں آگے بڑھوں گا. ہمسایا نے واقعہ آپ سے پیش کرتا محمد العریفی مشہور جو ہے عالم دین ہے تو اپنا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ میں جب مسجد سے نکلتا وہاں ایک گارڈ ہوتا جس کو میں دیکھ کر دور سے ہی سلام کر سکے مسکراتے ہاتھ ملا کے نکل جاتا. ارے میرا مانو تو میں اس پہ دھیان ہی نہیں دیا، میں اس پہ دھیان ہی نہیں دیا. زمانے کے بعد کچھ مشغولیات ایسی زیادہ ہو گئی ان کی کہ جیسے مسجد نکلتے فون آتے تھے یا میسیجز آتے تھے تو اس میں جو ہے مشغول ہو جاتے تھے، تو وہاں سلام کرنا یا مسکرانا جو ہے چھوڑ دیا. پھر آخر وہ جو جاتا ہے معمولی انسان ان کو بتا کر پوچھا جیسے کیا آپ مجھ سے ناراض؟ زمانہ ہو گیا آپ نے مسکرایا نہیں، زمانہ ہو گیا آپ نے سلام نہیں کیا. یہ ڈاکٹر ان کا کار پوچھے نہیں کرائے ہیں اور وہ کون ہے ان کو یہ پتا نہیں ہے، صرف دور سے جو ہے مسکرا رہے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں بس. لیکن آدمی کتنا اس سے اچھا ہو رہا. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ہمارے پڑوس کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، کیسے معاملہ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبق تم اسی بدھی اسی کا سبقہ، اگر تم اپنے پڑوسوں سے یہاں بھائی کا معنی میں
आया है, औरत को ले तो पड़ोसन भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है। अगर तुम अपनी जान से पड़ोसन से मुस्कुराते हुए मिलोगे तो ये तुम्हारे लिए सत्ता है। मुस्कुराने से सेहत आ ही जाएगी साथ में, लेकिन साथ साथ में क्या है, सवाब भी ले आएगी। अल्लाह सुभान व तआला राजी भी होंगे और आजू बाजू के जो बड़े हैं उनसे ताल्लुक बेहतर होंगे। तो हमारी जो मुस्लिम खवातीन है उनके रवैया क्या है, पड़ोस मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनके साथ बेहतर से बेहतर होना चाहिए। क्योंकि सच्ची तरह अल्लाह वसलम ने फरमाया, अशरुन्नास, सबसे बुरा इंसान वो है जिसके बुराई से लोग महफूज ना, जिसके गलत आदतों से लोग अपने आप को गैर मामूल समझ रहे हो, वो सबसे बुरा है। तो हमें बुरी औरत नहीं बनना है, बुरी पड़ोसन नहीं बनना है, बल्कि अच्छी पड़ोसन बनना है, अच्छी शरीर बनना है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा बेटी की तरफ। सुष्म समय एक वाकया को आगे बढ़ता हूँ। जुलैबिद एक सहाबी का नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह एक आला नसीब खानदान की लड़की से कराना चाहते थे और पैगाम वहाँ का सुनता तो वालिदैन ने इनकार कर दिया। तो लड़की ने पूछा कि ये पैगाम किस तरफ से था, जुलैबिद की तरफ से था या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका पैगाम जो है अपनी तरफ से भेजा है। तो वालिदैन ने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस वक्त लड़की ने कहा कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, मैं कैसे उसको इनकार कर सकती हूँ। फौरन वो रिश्ता उस लड़की ने दूर कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के निकाह के बाद उन दोनों के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, इसलिए कि बड़े ही जो है फकीर थे, बड़े ही गरीब थे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के रिश्ते में खुशहाली की दुआ की। बताना बताने का जो मेरा मकसद है वो ये कि बेटी की हैसियत है हर एक या बेटे की हैसियत है, हमको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अल्लाह किस चीज से खुश होते हैं, अल्लाह के रसूल किस चीज से खुश होते हैं, किस चीज में अल्लाह की रजामंदी हमें हासिल हो सकती है, इसकी तरफ हमें ध्यान होना चाहिए। इससे ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम बीवी की हर एक ख्वाहिश को जानने की कोशिश करते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं, बेटे की हर ख्वाहिश को हम जानने की कोशिश करते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं, बीवी शोहर की हर ख्वाहिश को जानने की कोशिश करती है, पूरी करने की कोशिश करते हैं, बच्चों की हर ख्वाहिश को जानने की कोशिश करती है, पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम अपना महासभा करें, क्या हम इसी तरीके से हमारे वालिदैन के नसीहत को हमने जाना है, उनकी जरूरियात को हमने जाना है, तभी हमने उनसे बैठकर 10-15 मिनट की गुफ्तगू करके उन गुफ्तगू के दरमियान सिर्फ उनकी जरूरियात को हमने जानने की कोशिश की, जिसको उनके साथ घंटों हम बिता देते हैं। ऑफिस में भी घंटों हमें बैठने में कोई कहे आप महसूस नहीं होती, लेकिन बुढ़े वालिदैन के साथ बैठने के लिए हम बुरा हो जाते हैं। वालिदैन की जो दुआ होती है इंसान के दुनिया को बराबर रख देती है, सोचे और बुढ़ापे में वो चाहते क्या है, पैसा नहीं चाहिए, प्यार की तो वो चाहिए उनको। 10-15 मिनट हर दिन अगर हम उनके लिए दे सकते हैं, ये चाहिए उनको। इसलिए औरत से सऊदी में पूछा गया कि तुम्हारे बच्चों में तुम्हें सबसे पसंद कौन है, उसने कहा मेरा सबसे छोटा लड़का है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद। वजह पूछी गई, वजह क्या है, सब तुम्हारे साथ अच्छा मामला नहीं करते, सब लड़के अच्छा मामला करते हैं, मेरी जरूरत को पूरा करते, मेरी हर चीज को जो है जो भी जरूरत होती है वो लाकर हाजिर कर देते हैं, लेकिन छोटा जो लड़का है ये मेरे लिए वक्त नहीं देता है, कोई भी वक्त नहीं देता, पैसा देते हैं वक्त को भी नहीं, छोटा लड़का मुझे वक्त देता है, पूरे गांव की खबरें जिनसे मेरा रिश्ता है वो लाकर मुझे सिर्फ खुश करने के लिए मेरे साथ उन बातों को शेयर करता है। और मैं इससे पूछती जाती हूँ कि फला दुनिया का क्या हुआ, फला लड़की का, क्योंकि इस उम्र में इसके अलावा कोई मजदूरा किसी को घरे वाले तरीका नहीं होता, जो गाँव की रिश्तेदारों की इनकी उनकी जो है वक्त गुजारती है। तो जो लड़का इन सारे लोगों से जो है हालात मालूम करता था और माँ को खुश करता,
आज हम बच्चे में वक्त का अथवा बहुत जल्दी खत्म कर दे। औरत गरीबी को पसंद कर सकती है, बदतमीजी को बदतमीजी की तो औरत पसंद नहीं करती है। साहबी का वाक्य आपको बता रहा हूँ। साहबी गुस्से में थे, अपने बीवी से उन्होंने कहा, अंकाले का घर उम्मीद तुम मुझ पर निर्माण की चीज देता हो। यानी पुराने पुराने जमाने में क्या बड़ा ऐसा प्रसिद्ध काला वाक्य क्या होते इस्लाम का उपकरण है, वहाँ क्या है अलग थलग इख्तियार कर लेना है। जिस चीज का इल्म देना था पुराने जमाने में उसको क्या समझते थे, तलाक से ले लेते थे, ये अब छोड़ दिया। तो उस जो सहाबिया रसूल के हुजूर में जो चीज को तकलीर उन्होंने ठीक किया और ऐसा क्या इंसाफ जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मांगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस सत्य का खुद करते हुए जो भी खुद बुढ़े हैं हो सकता है गुस्से में ऐसी बात वो कह दी है उनके बदाम से निकल गया हो। पूरी जवानी में इसके लिए पूरी जवानी को मैंने कुर्बान कर दिया, मेरे पेट में इसके बच्चों को मैंने पाला और पूरी जिंदगी इसकी खिदमत में कर रही, इस बुढ़ापे में आकर हम इसको छोड़ा। उसके बाद वहाँ रसूल पर रश्मि का पारा वहाँ रोजा रखे बुढ़े रुकू बोल रही है औरत जो बुढ़े हैं रोजा कहाँ से रखेंगे। तो कहा कि कुछ लोगों को खाना खिला दे जिसकी भी सख्त उम्मीद नहीं है। और उसके बाद ये कहा कि खजूरें हम उनको दे देंगे कि वो सरकार ठहरा सके। तो औरत जो कहती है अगर इस तरीके से हमारा मामला हल हो जा रहा है तो वो खजूरें मेरी शोहर को खुद से भय देने के लिए तैयार। तो वहाँ गरीबी को पूरी जिंदगी उस औरत ने बर्दाश्त किया लेकिन औरत मद की बदसूखी को औरत ने बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए औरत दिल जीतने के लिए बात कही गई है, दिल छोड़नी है, माल नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर हमारा सही होगा तो हम हमारी औरतों को दिल जीतेंगे और हमारे कैरेक्टर का असर उनसे होगा। आखिरी बात करके बात सुना करता हूँ वो ये उम्रुत का एक वाक्य आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उम्रुत का एक वाक्य है गौर जो है गौर उसको समाज फरमाए के लिबास के बदलने से आसान इंसान का बदलना होता है, इंसान को बदला जा सकता है। ये उम्रुत का एक वाक्य है जिसको इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में दखल किया है। बहुत बड़ा ताजिर उम्रुत का था। इसके कुछ लोग जो बंद रखते थे अदावत रखते थे कुछ नौजवान उन्होंने एक प्लान किया किसी भी तरीके से इसको जो है पागल बनाया जाए, किसी भी तरीके से इसको पागल बनाया जाए। गौर करें तो उससे वो सुबह सुबह उसका एक आदत थी कि अगर नहा धो जो है कपड़े पहनकर अमामा पहनकर वो अपनी दुकान को निकलकर चढ़ी चला फिर अमामा बंद हो गया था। तो एक नौजवान है और उसने सलाम किया और कहा क्या बात है आज बड़ी हसरत बच्चे बड़े खुश हो गए और इसके जो है सोने से सुहागा आपका जो ये काला अमामा है ये बड़ा ही जो है चुप रहा था। सही है लेकिन मैंने काला अमामा नहीं पहना, मैंने सफेदा अमामा पहना है। कोई बात नहीं लेकिन अच्छा है थोड़ा। फिर छुट्टे के बाद दूसरा नौजवान आता फिर उनको सलाम करता है, इसी दिन उनकी तारीफ करता है, कहता है कि तुम्हारा जो लाल अमामा है ये बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही खाता है तुमको। बोलो साहब तारीफ शादी उनको पसंद आई लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं लाल अमामा नहीं पहनू, मैं सफेद अमामा पहना। और दुकान से दुकान जाने के बाद वो उसी ख्याल में है कि भाई बातें सारी वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन एक ही बात जो कर रहे हैं वो अमामत कर रहे हैं कि मैंने लाल अमामा पहना है काला अमामा पहना है वो इससे उधर फर्क नहीं होगा। फिर एक लड़का आया उसने कहा कि आप जो है हरा अमामा पहने हैं। इस तरह से शाम तक गुफ्तगू चलती रही बिल आखिर वो लाल हरा काला पीला कहते हुए अपना जमीन का बाबू सो गया। और उन्हें हसन कहते हैं मैंने उसी ताजुब को देखा कि लोग बच्चे पत्थर से मारते थे और बनियों में घुसा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर हमारे अपने बच्चों को हम सोचते रहें हर बात पर हर चीज पर बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और वो वक्त जरूर आएगा कि बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे जो हम बच्चों से खो देंगे। जहां बुरा मामला है जहाँ परमेश करना जरूरी है
वही दूसरे तरफ मैं ये चाहता हूँ, अगर घर में ससुर माँ बेटी जो भी हो माँ बाप ने अपनी जिंदगी गुजारी साथ में अपनी जिंदगी गुजारी है, इसका मुझ पर असर यकीनन बच्चों पर पड़ेगा। जैसे एक आदमी के बिहेवियर से दूसरा आदमी दीवाना हो सकता है, उसी तरीके से एक अच्छे आदमी के अच्छे बिहेवियर से दूसरा आदमी अच्छा परिस्थिति से निशान नहीं हो सकता। सभी ये कुछ बातें थी, बहुत सी बातें मैं लिखा बनाया था, लेकिन आपकी कमी की वजह से मैं सारी चीजें सुना नहीं सका। अल्लाह सुभानहू व तआला से दुआ है कि जो भी बातें यहाँ सुनने या सुनने की मिली है, उन सारी बातों पर सबसे पहले करने वाले मुझको और सुनने वाले आप सभी को जो है अमन की तौफीक अल्लाह सुभानहू व तआला नसीब फरमाए। आखिरी एक बात मैं तीसरी बात खत्म करूंगा। इतने बाद रहमतुल्लाह आप सुने होंगे, मुहम्मद अरफी से मस्जिद में गए तो वहाँ देखिए बड़े बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग से मुलाकात किए, बुजुर्ग है लेकिन आम आदमी है, तो वो कहने लगे कि मैं और इतने बाद एक ही क्लास में है, हमें एक ही क्लास में हमने पढ़ाया है और एक ही बार हमने तालीम हासिल की है। अरे मोहम्मद अरफी कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि इनको मालूम है आज इतने बाद सच्चाई क्या है और उनका मसला क्या है, उनके मौत पर नंबर रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं और ये सब कह के दुनिया के गुमनाम, ये भी उस मकाम को पहुंच सकता था अगर एक कोशिश किया होता। तो यहाँ सुनने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है, यहाँ हम उसको अमली जाना कितने हद तक पहनाते हैं, कहाँ तक उस पर अमल पैदा होते हैं, जरा इसी पर हमारी जो जिंदगी होती है या हमारी जो इज्जत होती है यही इसी पर खड़े होती है। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको अमल की तौफीक फरमाए। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो जो मुलाकात होंगे आप सभी से मुझे से ज्यादा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और नौ नबी जिला